हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सोनीटेक जोन। आज तारीख है 2/1/22। हम कल के लिए प्रिडिक्शन करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम प्रोफाइल ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है और मैं इसको पहले लैंडस्केप मोड पे डाल देता हूँ तो काफ़ी बेटर हमें शो होगा। बहुत सारे मैंने सपोर्ट एंड वॉल्यूम प्रोफाइल क्रूशियल लेवल से सारी चीज़ ड्रॉ की। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ कि कल का मार्केट किस तरीका हो सकता है। ये अभी टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट का है और ये वॉल्यूम प्रोफाइल मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आज का जो वॉल्यूम प्रोफाइल था वो डिलीट कर दिया है मैंने। आज अगर आप देखोगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया हुआ है, लाइक नौ, अच्छा 9:15 को मार्केट ओपन हुआ बरोबर। ये आपका यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे बरोबर। और ओपन हुआ गैप अप देख सकते हो, जैसे गैप अप हुआ ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे साइड सपोर्ट लेके ये वाइट कलर का जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है 42,951, यहाँ पे सपोर्ट लेके सीधा ये बुलिश एक्सट्रीम बुलिश हुआ है। एक्सट्रीम बुलिश के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक VPOC था जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला VPOC नहीं, इसे VOH बोलते हैं, वॉल्यूम हाई बोलते हैं बरोबर। यहाँ पे इन्होंने इसने सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया था, फिर से ड्रॉ करके दिखाया था आपको। कहाँ गया ट्रेंड लाइन, ट्रेंड सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बरोबर, इसका सपोर्ट लिया है। आप देखोगे अगर इसे प्रॉपर वे में तो 3 टाइम इसने सपोर्ट लिया हुआ है नीचे साइड, और अप साइड देखोगे ये अप साइड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये जो चीज़ है ना, ये चीज 3 टाइम इन्होंने ये लिया हुआ है, क्या कहते हैं इसको, रेसिस्टेंस लिया हुआ है। और जब भी 3 टाइम रेसिस्टेंस लेता है कोई भी कैंडल, तो या तो अपसाइड मूवमेंट देगा या तो डाउनसाइड मूवमेंट देगा। आप देख सकते हो, मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। आफ्टर 3 टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट एक्सट्रीम डाउन गया हुआ है। लाइक जो मेरा सपोर्ट था VOH का ये वाला, इसको जैसे ही 50% बिलो उसने क्लोज किया हुआ कैंडल, वैसे ही हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री लगभग हो सकती थी इधर 11:45 में, और अपना जो स्टॉप लॉस रहता था वो ये रहता था हाई 43,281 का स्टॉप लॉस रहता था। बट अगर आप देखोगे स्टॉप लॉस अपना हिट नहीं हुआ और यहाँ से जो मूवमेंट मिली नहीं नहीं करके 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी, 200 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया हुआ है। तो हम वी आर ऑप्शन बायर, सो हमें कम से कम नहीं करके 50 to 100 पॉइंट तो आराम से मिल जाते थे इसके अंदर। देन फिर नीचे फिर से सपोर्ट लिया VOL से और सीधा अपसाइड मूवमेंट गया हुआ है। तो इस तरीके से हम अपना ट्रेड ले सकते थे। जैसे आपने देखा वॉल्यूम प्रोफाइल काफ़ी अच्छा स्ट्रांग है, इसे आप अपने ट्रेडिंग पे में ऐड करके रखो। इसके अलावा एक और स्मार्ट आप ये कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है ये इसके अंदर एंड देन फिर यहाँ पे ना एक आपको है ना अलर्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, नहीं दिख रहा है अलर्ट अलर्ट, ऐड अलर्ट का ऑप्शन
ठीक है, मैं एक बार इसको देख लूँगा उसके बाद आपको बताऊँगा। तो अभी ये तो हमने आज के लिए देखा, अब कल मार्केट कैसे रिएक्ट हो सकता है और दूसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं हमारे लिए। आप अगर देखोगे अच्छे से तो मैंने बॉटम से लेकर टॉप तक वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ किया हुआ है, तो क्रूशियल जो सपोर्ट जो आ रहा है अभी भी वो ये आ रहा है 43,000 के आसपास, देख सकते हो 43,054 बराबर, ये आपका क्रूशियल सपोर्ट है, सॉरी क्रूशियल लेवल है, और नहीं, कौन सा 42,898 और 42,951 का सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है बिकॉज 3 से 4 बार ये देख सकते हो, इधर 1, 2, 3, 4, तो मार्केट कल भी शायद अपसेट हो सकता है बिकॉज VPOC पेंडिंग है 43,583, यहाँ मार्केट टच करने के लिए आ सकता है। आफ्टर टच, एक बार यहाँ पे टच हुआ देन ये मार्केट के सेंटिमेंट नेगेटिव हो गए बिकॉज अपसेट होने के चांसेस बहुत कम है, देन फिर आपको मार्केट नीचे गिरते हुए बेरिश जोन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। रीज़न यही है बिकॉज ये VPOC एक पेंडिंग है, इसको टच करने के लिए कल मार्केट आ सकता है। अब मार्केट की ओपनिंग कैसी होगी उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन यानी कि इस लेवल के ऊपर लाइक 43,335, इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है या फिर इधर से ओपन होने के बाद इस लेवल को तोड़ के 50% कैंडल अबाव क्लोज करती है तो चांसेस है कि हमें कॉल साइड जाना चाहिए, जो कि आप देख सकते हो 43,300 का कॉल या फिर 43,200 कॉल, जितना इंडी मनी लोगे उतना बेटर होगा, ठीठा ठीक कम होगा, देन फिर आप 50-40 पॉइंट आप इजीली आप कंज्यूम कर सकते हो। और अगर मार्केट कल की डेट में आपको लग रहा है बेयरिश है तो ये जो पॉइंट है 43,090, अगर इसके नीचे 50% कैंडल क्लोज देती है बॉटम साइड तो हमें फिर सेल साइड जाना है, फिर आप 43,100 का पुट ले सकते हो और मिनिमम आप ये टारगेट रख सकते हो 42,949 का, इसमें भी आप 50-60 पॉइंट आप इजीली कवर कर सकते हो। तो ये मैंने आज के लिए एक सेटअप बनाया हुआ है और जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है, सो ये मेरा एनालिसिस मैंने आपको शेयर किया हुआ है, थोड़ा भी अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हो तो मैं उस बिहाफ पे थोड़ा सा आपको रिवर्ट दे पाऊँगा। तो चलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, थैंक यू।